वेलकम टू एस जी इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। आई एम एट द एम बी मरीन ट्रेडर्स और आज हम आपको एक ऐसी मरीन फिश दिखाने वाले हैं जो फर्स्ट टाइम इंडिया में आई हुई है, पहली बार इंडिया में आई हुई है और पहली बार हम यूट्यूब इंडिया पर दिखा रहे हैं, सबसे पहले पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पर शोकेस कर रहे हैं। सो राइट इन फ्रंट ऑफ यू इज़ द रेयरेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव मरीन फिश एवर। सो हमारे साथ है मिथिलेश भरद्वाज। तो भाई बताइए कि क्या खासियत है इस फिश में, क्या अनोखापन है इस फिश में जो इतनी रेयर है, इतनी एक्सपेंसिव है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसका नाम है कॉन्स्पिक्यूअस एंजल है। ओके, एंड दिस इज पोमा लैब से ब्रीड किया हुआ फिश है, ब्रीडेड फिश है, टैंक ब्रीड फिश है, टैंक ब्रीडेड एंजल है ये। ओके, एंड वो भी पोमा लैब की है। अच्छा, एंड इट्स अ रेयरेस्ट, मतलब बहुत कम है, मतलब कहीं लाइक इट्स अ रेयरेस्ट कलेक्शंस में आती है ये, मतलब आपको मिलेगी नहीं जल्दी। तो क्योंकि हमने टाइटल रखा है मोस्ट एक्सपेंसिव मरीन फिश, तो बहुत लोग क्यूरियस रहेंगे कि इसकी प्राइस क्या होगी, क्या कॉस्ट होगी इसकी। तो मैं आपको प्रूफ के साथ इसकी प्राइस बताता हूँ। अभी आपके सामने फ्लैश हुआ होगा गूगल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मैं गूगल पर सर्च कर रहा हूँ कॉन्स्पिक्यूस एंजल फिश। तो अभी आपको सामने की तरफ रिजल्ट सारे मिल जाएंगे इसके, तो आप देख सकते हैं इसकी प्राइस। सो मिथिलेश भाई, सबसे पहले बताइए हमको कि इस एंजल फिश के बारे में कि कहाँ पे ये पाई जाती है। ये तो टैंक ब्रेड है बट नेचर में, वाइल्ड में कहाँ पे ये पाई जाती है? वाइल्ड में नॉर्मली दिस फिशेस यू कैन गेट इन सदर्न ग्रेट बैरियर रीफ टू द सेंट्रल न्यू साउथ वेल्स कोस्ट एंड फ्रॉम न्यू कैलेडोनिया, नॉरफॉल्क एंड लॉर्ड होव आइलैंड्स। ओके, और नॉर्मली एडल्ट जो रहेंगे तो आपको रॉकी रीफ्स और कोरल्स में मिलेंगे, एंड जुवेनाइल्स यू विल फाइंड इन शैलो वाटर। अच्छा, नियर हार्बर एंड बीच। ओके, तो ये कितनी बड़ी होती है भाई? ये अराउंड 25 सेंटीमीटर तक लेंथ होती है इसकी। ओके, और आइडेंटिफिकेशन कैसी होती है इसकी? आइडेंटिफिकेशन इसमें आपका, इसमें फेस जो रहता है येलोइश रहता है, एंड एडल्ट्स आर लाइक ब्लू एंड ग्रे डॉर्सली। ओके, जैसा अभी आप ये वीडियो में देख रहे हैं, तो यू कैन सी दैट दिस थिंग। एक्चुअली तो पोमा एंजल हमारे पास आती थी पहले, ग्रे पोमा, जी जी, यू हैव सीन दैट। ओके, तो वो और ये तो डिफरेंस यू कैन मेक आउट, मतलब इसके फेस येलोइश एंड टेल में डिफरेंस है थोड़ा। जी जी। सो भाई ये इतनी एक्सपेंसिव फिश है तो जाहिर सी बात है इसका मेंटेनेंस एकदम बेहतरीन तरीके से करना पड़ेगा। राइट, तो ये बताइए कि आपने मुझे बताया था कि सैलिनिटी इसको बहुत ज़्यादा लगती है, तो आपके बाकी के फिश टैंक में कितनी सैलिनिटी है और यहाँ पे कितनी सैलिनिटी है? अभी जैसे टैंक ब्रीडेड फिशेज है तो उन लोगों को हम सैलिनिटी हाई सैलिनिटी में रखते हैं, लाइक 25 सैलिनिटी हमारी 1.025 में रखते हैं, एंड टेम्परेचर वी मेंटेन लाइक 26-27 डिग्री। ओके, या एंड वाटर पैरामीटर्स हमारे नाइट्रेट हमेशा लाइक 5 रहता है, एंड अमोनिया NO2 सब 0 रहते हैं इसके लिए, एंड वी टेक स्पेशल केयर, अकेले रखते हैं इसको। सो इस कॉन्स्पिक्यूस एंजल की राइट सैलिनिटी पैरामीटर्स क्या है? राइट सैलिनिटी लाइक 1.023 के सैलिनिटी में भी आप रख सकते हैं इसको। ओके, एंड देन इट डिपेंड्स, लाइक अभी रीफ मतलब हाई सैलिनिटी 23 में कोई भी नॉर्मली रहती है फिशेज। ओके, हाँ, एंड क्या ये रीफ सेफ है, नॉन रीफ सेफ? नॉन रीफ सेफ है ये। ऑलराइट, तो ये कौन से टैंक मेट्स के साथ सूटेबल रहेगी? लाइक ये एंजल्स के साथ रहेगी। ओके, और टैंक वराइटीज के साथ रहेगी, सबके साथ रहने के लिए रहेगी, बट नॉर्मली लाइक रीफ हो गई और थोड़े इनवर्ट्स हो गए जैसे श्रिम्स एंड ऑल हो गए तो उन लोग को तकलीफ देगी। ओके, सो भाई अपने MB मरीन ट्रेडर्स में बहुत सारी यूनिक अनकॉमन वराइटीज़ दिखाई है जो यूट्यूब इंडिया पर भी नहीं है कहीं पर भी, इवन हमको वेस्टर्न कंट्रीज़ से, बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज़ से हमको इंक्वायरीज मिली कि आपके स्टॉक में बहुत इंटरेस्टेड है, उनको बाहर भी अब्रॉड में भी इतने वराइटीज़ नहीं देखने को मिले जितने आपके शॉप में देखने को मिले। राइट, एक्चुअली हमारे पास जो आज के डेट में जो है लाइक वी कैन कम्पीट टू अच्छे खासे, मतलब इंटरनेशनली वी कैन कम्पीट टू इंटरनेशनल मार्केट। ऑसम। सो भाई इतने रखने के बाद ये क्या पहली बार आप रख रहे हो, पहली बार ला रहे हो? दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली, मैंने भी नहीं देखा था ऐसे कभी। ओह ग्रेट, तो क्या आपने जितने फिशेस अभी तक लाए हैं क्या उसमें से ये सबसे महंगी, सबसे कीमती फिश है ये? राइट, कॉन्स्पिक्यूस एंजल फिश एक कॉस्ट मेरे पूरे शिपमेंट की, एक फिश की। ओह माय गॉड। ओके, ऑलराइट, सो इसको रखना तो रहेगा भाई ऑब्वियसली, इसको तो एकदम बेहतरीन तरीके से टैंक एंड सब कुछ देना पड़ेगा। राइट, सो किसी को अगर कोई भी बहुत ही शौकीन हॉबीस्ट होगा,
जिसको देखने के बाद इच्छा होगी कि मुझे ऐसी फिश रखनी है जो किसी के पास देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रहेगी, एटलीस्ट इंडिया में तो फर्स्ट टाइम आप बोल रहे हो, आइए तो एक ही रहेगी ये पीस, तो क्या एमबी मरीन ट्रेडर से अवेलेबल हो सकती है ये? हाँ कर सकते हैं, बट वी नीड लाइक 2 months टाइम एंड टोटली 100% एडवांस रहेगा इसके पीछे। ओके तो अभी इसकी बताइए क्या साइज रहेगी और कितनी बड़ी? इट्स लाइक 10 सेंटीमीटर की साइज है। ओके तो 25 सेंटीमीटर ग्रो करेगी। और फीडिंग क्या लेती है ये? फीडिंग दे आर टेकिंग पैलेट्स। टैंक ब्रीडेड है तो कोई इशू होगा ही नहीं, पहले सब टैंक ब्रीडेड फिश खाते ही है। सही बात है। Alright. तो ये थी सबसे महंगी सबसे एक्सपेंसिव मरीन फिश एट एमबी मरीन ट्रेडर्स, द कॉन्स्पिक्यूअस एंजल फिश। मेरे लाइफ में मैंने सबसे पहली ये मरीन फिश देखी जो इतनी एक्सपेंसिव है। मैं आशा करता हूँ कि आपने भी इससे पहले इसको नहीं देखा होगा या आपने भी इतनी एक्सपेंसिव मरीन फिश नहीं देखी होगी इससे पहले। अगर ये सच है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपके ज़रूर मुझको व्यूज़ बताइए कि क्या आपने ऐसी एक्सपेंसिव महंगी मरीन फिश इससे पहले कभी देखी है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू हिट द थम्स अप बटन एंड स्टे ट्यून्ड टू वॉच सम मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज कमिंग सून एज़ जे इंसेप्शंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव वंडरफुल डे अहेड। सो एमबी मरीन ट्रेडर्स में इसके अलावा भी बहुत सारे मरीन फिश वराइटीज़ आपको देखने को मिलेंगे। आपको मिथिलेश भाई का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैप्पी फिश कीपिंग एंड हैव वंडरफुल डे अहेड। सो दिस वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव मरीन फिश, द कॉन्स्पिक्यूअस एंजल फिश एट एमबी मरीन ट्रेडर।